मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इन्हीं शब्दों को अपने जीवन में उतार कर हरियाणा की सबसे मशहूर डांसर होने का गौरव हासिल किया है सपना चौधरी ने। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। सपना चौधरी का जन्म 25 सितंबर 1990 को हरियाणा में एक मध्यम वर्गीय जाट परिवार में हुआ। उनके पिता एक निजी कंपनी में कर्मचारी थे और उनकी मां नीलम चौधरी एक हाउसवाइफ थी। सपना चौधरी के एक छोटा भाई और बहन भी है। सपना चौधरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के सरकारी स्कूल से की। सपना चौधरी का बचपन से ही गाने और डांस में रुचि थी, लेकिन जब सपना चौधरी मात्र 12 साल की थी तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। इससे उनके परिवार की आर्थिक हालत और खराब हो गई और सपना को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। सपना ने कुछ पैसे कमाने के लिए लोकल एरिया की म्यूजिक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, जो कि जगह जगह ग्रामीण इलाकों में प्रोग्राम करता था। सपना ने कुछ समय उस ग्रुप में गाना गाकर काम किया, जहां से वह कुछ पैसे कमाकर घर वालों की सहायता करती थी। लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सपना ने पहली बार सॉलिड बॉडी गाना गाया, उस पर खुद डांस करके वीडियो लॉन्च किया। यह गाना इंटरनेट पर वायरल हो गया। इस गाने के बाद सपना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक हिट डांस वीडियो देकर हरियाणा की नंबर वन डांसर बन गई। आज सपना के स्टेज शो देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। उनकी प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके हरियाणा और आसपास के इलाकों में लाखों लोग उसे पसंद करते हैं। 2017 में उन्हें बिग बॉस के शो में आने का मौका मिला और अब वो बॉलीवुड मूवी वीरे की वेडिंग में भी काम कर रही हैं। उनकी सफलता से हमें शिक्षा मिलती है कि विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और भी मोटिवेशन और इंस्पायरेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।